हे गाइस, फाइनली फ्लिपकार्ट पे प्राइम मेंबर वालों के लिए बिग सेविंग डे सेल जो है स्टार्ट हो गई है। और बिग सेविंग डे सेल में आपको ऑल स्मार्टफोन ब्रांड के ऑफर जो है रिवील हो चुके हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। गाइस यहाँ पे मैं आपको फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डे सेल में ऑल स्मार्टफोन डील्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको बिगेस्ट ऑफर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट के जो बिग सेविंग डे सेल है वो प्राइम मेंबर वालों के लिए जो है स्टार्ट हो गई है। सेल इज लाइव देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं स्मार्टफोन कैटेगरी में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल, जो कि 3 तारीख से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप इसके प्लस मेंबर हैं तो आपको जो है आज की डेट से ही ये सेल देखने को मिल जाएगी। अब गाइस यहाँ पे ऑल ऑफर जो है स्मार्टफोन के रिवील हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप शुरू में देख सकते हो, स्टार्टिंग में ही देख सकते हो, ओप्पो F19 Pro Plus 5G पे जो है आपको 18,999 रुपये देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी मैं फ़ोन आपको बताऊँगा वो बेस्ट फ़ोन होगा। जो मैं आपको कहूँगा कि इस फ़ोन को आप ना लें, तो आप कोशिश करिएगा कि उस फ़ोन को जो है परचेज़ ना करें, भले ही उस पर कितने भी ज़्यादा ऑफर हो। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ओप्पो F19 Pro Plus 5G जो है आपको 18,999 रुपये का देखने को मिल रहा है। इस फ़ोन पर आपको 7,000 रुपये तक का ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये फ़ोन अगर देखा जाए तो उतना बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो F19 Pro Plus से अच्छे फ़ोन आपको प्रेजेंट टाइम में इस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से F19 Pro Plus इतना अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पे अगर हम फ्लैगशिप स्मार्टफोन मोटरोला की बात करें तो मोटरोला S30 Pro जो है आपको 44,249 रुपये के देखने को मिल रहा है। ये भी कोई बेस्ट डील नहीं है, इसको भी आप छोड़ देना। ओप्पो Reno7 5G जो है ये आपको 25,999 रुपये का देखने को मिल रहा है। ये भी कोई बेस्ट डील नहीं है, इसको भी जो है आप छोड़ देना। अब गाइज यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बजट सेगमेंट में कुछ फ़ोन देखने को मिलेंगे, जैसे कि Realme 9i, ये आपको 10,499 रुपये का देखने को मिल रहा है। ये बेस्ट डील है। अगर आप under 10,000 या फिर under 11,000 12,000 अगर आप फ़ोन को परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से Realme 9i सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होगा। ये आपको 13,000 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको बिग सेविंग डे सेल में ये आपको 10,499 रुपये में देखने को मिलेगा। तो 10,499 रुपये में अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ये फ़ोन सबसे बेस्ट होगा। और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही तगड़ा है। 10,499 रुपये के हिसाब से Realme 9i सबसे बेस्ट फ़ोन है। अब गाइज यहाँ पे आईफोन 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईफोन 11 38,999 रुपये में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आईफोन 11 38,999 रुपये में भी बेस्ट नहीं है, तो आप इस फ़ोन को भी ध्यान में मत देना। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप आईफोन 11 लेना चाहते हो तो ले सकते हो, प्राइस तो अच्छा है लेकिन फ़ोन मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो आप इसको जो है छोड़ ही देना। ओप्पो K10 12,990 रुपये का देखने को मिल रहा है। ये भी फ़ोन अच्छा है, आप इसको भी एक बार देख सकते हो, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये भी फ़ोन प्राइस में बेस्ट है। अब यहाँ पे गाइस टॉप 10 पिक्स ऑफ द सेल लिखी हुई है, तो यहाँ पे आपको जो है टॉप 10 स्मार्टफोन ऐसे देखने को मिलेंगे जिस पे आपको बेस्ट ऑफर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे Xiaomi 11i 5G जो है 19,999 रुपये में देखने को मिल रहा है, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप भी अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 5,000 रुपये का डिस्काउंट है 19,999 रुपये में। अगर आप इसको खरीद रहे हो तो ये फ़ोन जो है बेस्ट है, आप इसको खरीद सकते हो। Poco C31 6,999 रुपये की प्राइस है, ये थोड़ा और कम होगी, तो अभी आप इसको छोड़ देना। बाकी Realme 9i 10,499 रुपये का आपको देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें Redmi Note 10s की, तो Redmi Note 10s अगर 11,999 रुपये में आपको खरीदना है तो बिल्कुल खरीदिए। 11,999 रुपये में Redmi Note 10s की प्राइस सबसे बेस्ट है, तो आप इस फ़ोन को जो है ले सकते हैं। बाकी सैमसंग छोड़ दीजिए, आईफोन 12 पे आ जाइए। आईफोन 12 जो है आपको 49,999 रुपये में देखने को मिल रहा है, तो आईफोन 12 भी बेस्ट प्राइस है। ये बहुत पहले जो है आपको एप्पल डे सेल में देखने को मिला था, उसके बाद जो है आईफोन 12 49,999 रुपये में देखने को मिल रहा है। तो गाइस बिग सेविंग डे सेल में आपको 49,999 रुपये का सबसे बेस्ट, अगर जो आप आईफोन लेना चाहते हैं तो आपको आईफोन 12 पड़ेगा। आईफोन 12 आप 49,999 रुपये में ले सकते हैं, ये फ़ोन सबसे परफेक्ट है। बाकी आप इधर जो है सारे फ़ोन्स को छोड़ दीजिए, ये सब जो है बेकार हैं, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप देख सकते हो, आपका पैसा है। तो मेरे हिसाब से तो बाकी और सब फ़ोन इतने अच्छे नहीं है। बाकी आप नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीवो का वीवो T1 5G जो है 14,000
4,990 रुपये का देखने को मिल रहा है। तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऑफर नहीं आया हुआ, ये जो शुरुआती प्राइस थे वही प्राइस है। बाकी आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, 14,490 रुपये में आपको वीवो T1 5G मिल रहा है। ये भी फ़ोन परफेक्ट है, 14,500 रुपये के रेंज में वीवो T1 5G बेस्ट है, आप ले सकते हो। स्नैपड्रैगन 695 जो वाला प्रोसेसर है और 6 NM पे ये फ़ोन है, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको Realme 9 Pro Plus 5G जो है 19,999 रुपये में देखने को मिल रहा है। गाइज ये फ़ोन जो है ना आपको एकदम परफेक्ट है, इस फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है, इस फ़ोन का प्रोसेसर बहुत अच्छा है, इस फ़ोन का ओवरऑल अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 19,999 रुपये में ये फ़ोन सबसे परफेक्ट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 19,999 रुपये में सबसे बेस्ट डील आपको जो है Realme 9 Pro Plus 5G की देखने को मिलेगी। अब गाइस सैमसंग का F22 जो है 6000 mAh बैटरी, 48 MP क्वाड कैमरा, 9,999 रुपये का देखने को मिल रहा है। ये फ़ोन भी आप ले सकते हैं अगर आप सैमसंग के फ़ोन को लेना चाहते हैं 10,000, तो 9,999 रुपये में आप इस फोन को ले सकते हैं। ये फोन भी काफी ज्यादा बेस्ट है। अब गाइज यहाँ पे अगर नीचे आए तो Realme 9i Sport को आप छोड़ दीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, 7,349 रुपये में देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे अच्छा आपको कुछ Infinix के स्मार्टफोन आ जाएंगे तो आप इसको छोड़ दीजिए। बाकी Redmi 10 पे आइए, Redmi 10 जो है 11,000 रुपये का फोन है, 8,999 रुपये में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर है, 6000 mAh की बैटरी है, तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज बहुत अच्छा है, लुक डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो Redmi 10 का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, 9,000 रुपये में बेस्ट डील है, आप इसको ले सकते हैं। बाकी मोटो का G31 छोड़ दीजिए, वीवो का V21 5G छोड़ दीजिए, ये सब उतने अच्छे नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी यहाँ नीचे आइए, Redmi Note 10T 5G गाइज अभी 11,249 रुपये का देखने को मिल रहा है, तो अभी आप इसको मत खरीदिएगा। ये फ़ोन जब 10,500 रुपये के रेंज में आएगा तब आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं, ये फ़ोन तब बेस्ट डील में रहेगा। अब गाइज iPhone 12 का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 49,999 रुपये है, तो ये बेस्ट डील है, अगर आप iPhone 12 खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। गाइज पोको का अगर फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो पोको का X4 Pro 5G गाइज सबसे परफेक्ट प्राइस में है, 16,499 रुपये की प्राइस में है, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आप पोको का फ़ोन लेना चाहते हैं, X4 Pro जो है बहुत दिन से खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, 16,499 रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं। इससे सस्ता आपको शायद ना देखने को मिले, बहुत टाइम बाद जो है इस प्राइस में आपको जो है देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आगे जा कर के ये फ़ोन महंगा हो जाए, तो इसलिए आप इस फ़ोन को जो है 16,499 रुपये में अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बाकी नार्जो 50 है उतना अच्छा नहीं है तो आप उसको छोड़ ही दीजिए। बाकी पोको M4 प्रो पे आते हैं तो ये फ़ोन भी 11,999 रुपये में बेस्ट है, तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये भी फ़ोन परफेक्ट है। बाकी Infinix Note 11 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आते हैं Oppo F19 पे, F19 13,999 रुपये में देखने को मिल रहा है, 20,000 रुपये का फ़ोन है, तो मेरे हिसाब से सही है, अगर आप 14,000 रुपये में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये भी फ़ोन परफेक्ट है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक के साथ है, 33 वाट का चार्जर है और इसमें जो है 5000 mAh की बैटरी है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं 14,000 रुपये के रेंज में ये फ़ोन जो है खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ पे सैमसंग छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप आते हैं Realme 9 5G पे, तो Realme 9 5G भी छोड़ ही दीजिए, 12,999 रुपये का है, बहुत अच्छा नहीं है, Dimensity 8 प्रोसेसर के साथ है, 90 Hz का इसमें रिफ्रेश रेट है, कॉन्फ़िगरेशन लगभग एटेस की तरह है। ये फ़ोन जो है 1,500 रुपये का है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, अगर इस पर और ज़्यादा डिस्काउंट आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दीजिए। पोको M4 Pro 5G को भी छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे आते हैं Realme C25 पे, तो गाइस Realme C25 पे 2,000 रुपये का ऑफ देखने को मिल रहा है, तो ये फ़ोन अगर प्राइस सेगमेंट में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 50 MP कैमरे के साथ है, लुक डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं है लेकिन ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन तगड़ा है, तो आप लेना चाहते हैं तो इस फ़ोन को जो है खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप नीचे आइए तो Realme का GT Neo 3 सीरीज जो आई है उसमें आपको 7,000 रुपये का ऑफ देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सेल आपको 4 मई को देखने को मिलेगी, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बाकी पोको का M4 5G जो है वो आपको 5 तारीख को देखने को मिलेगा, इस पर भी आपको 2,000 रुपये का ऑफ देखने को मिल रहा है, तो ये भी फ़ोन आप जो है खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बाकी गाइज नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको Redmi Note 10 Pro जो है 14,749 रुपये में देखने को मिल रहा है, तो ये भी मेरे हिसाब से बेस्ट डील है, इसको भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, ये भी बेस्ट डील में है। बाकी नीचे आइए,
नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। रियलमी जी टी मास्टर एडिशन गाइज आने वाला है, रियलमी जी टी मास्टर एडिशन 24,999 रुपये में देखने को मिल रहा है। अगर इस पे 10,000 या 8,000 रुपये का ऑफ आया तो ये फ़ोन 18,000 से नीचे आ जाएगा। अगर ये 18,000 से नीचे आता है तब ये फ़ोन जो है बेस्ट डील में देखने को मिलेगा। बस गाइज़, और यहाँ पे कोई और अच्छे स्मार्टफोन नहीं देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल जो भी स्मार्टफोन की डील थी मैंने आपको बता दिया। आपको क्या अच्छा लगा मुझे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि कौन सा फ़ोन आपको डील में ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।